ये वेब सीरीज जो अभी आ रही है 16 जुलाई को पिंग पोंग, ये नए OTT प्लेटफॉर्म पे, ये जैसे आपने अभी ट्रेलर तो देखा है तो आपको पता ही चला होगा कि ये कहानी ड्रग्स माफिया और जो ड्रग्स की वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर जो गलत परिणाम हो रहे हैं, उनके ऊपर जो नुकसान हो रहा है उनका, उसके खिलाफ जो पुलिस एक टीम है, एक पुलिस की टीम है जो जिसमें मैं हूँ, मेरे कैरेक्टर का नाम है SCP प्रदीप राजे, मेरे साथ इंस्पेक्टर वेरी हार्ड वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पेक्टर दक्षिजीत ये भी हैं, संदीप इसमें एक बहुत अच्छा और बढ़िया कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो हम सब मिलकर इस ड्रग्स कार्टल के खिलाफ लड़ रहे हैं इस हिडन में। अब वो लड़ाई कैसे है, किस तरह से हम लड़ रहे हैं और क्या क्या प्लान बन रहे हैं, किस तरह से हम प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको इस हिडन सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। SCP कैरेक्टर आज तक जो मैंने किरदार निभाए हैं, जो वेब सीरीज मैंने करी हैं, जो भी फिल्में मैंने करी हैं, ज़्यादातर मैंने काम मराठी में किया हुआ है, उसके बाद कुछ काम कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ हिंदी में, तो उसमें एक मेरी हिंदी वेब सीरीज़ है हिडन, ये आज तक जो मैंने रोल किया है उससे काफ़ी हटके है, शायद जो मेरी इमेज है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कि वेरी मैचो एंड एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ, तो ये अलग तरह का एंग्री यंग मैन है जो SCP है प्रदीप राजे, वेरी फोकस्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत ही अपने टीम के साथ, दोस्तों के साथ बर्ताव करने वाला, उनके साथ घुल मिल कर रहने वाला, ये SCP प्रदीप राजे है जो हम अपने टीम को साथ लेकर चलता है और प्लान को कैसे फॉलो करना उनको बताते रहता है और उसके प्लान को ये पूरी टीम फॉलो करती है। तो बस ये कैरेक्टर जब मुझे विशाल, हमारे दिग्दर्शक हैं, उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर, तो मुझे पहले तो आज तक काफ़ी लोगों ने मुझे अलग किरदारों में देखा है, तो ऑब्वियसली कोई कोई डाउट तो नहीं था मुझे कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा शक था कि शायद इस कैरेक्टर को लेके या इस किरदार को लेके लोग मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी ये ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि शायद लोग पसंद करेंगे इस कैरेक्टर को भी, और जिस तरह से हमने कोशिश की है इस हिडन वेब सीरीज़ को प्रेजेंट करने की, तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और काफ़ी तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आप सभी जानते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, Z5 है, MX Player है, सोनी लीव है, उसी तरह से एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है पिंग पोंग, तो ये कोशिश है हमारे जो पिंग पोंग के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा यादव साहब, उन्होंने उनकी पूरी टीम ने ये कोशिश की है कि पिंग पोंग किस तरह से अच्छी तरीके से आप तक हम पहुंचा पाए, आप उसको किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो वी आर ट्राइंग टू डू आर लेवल बेस्ट, सो बाकी गणपति बप्पा मोरिया। एक्चुअली एज एन एक्टर ज़्यादा बड़ा चैलेंज इससे नहीं लगा क्योंकि टीम बहुत काबिल थी, डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन टीम से लेके और इवन जो सारी कास्टिंग हुई थी सभी एक्सपीरियंस्ड सारे आर्टिस्ट थे, संतोष भाई, संदीप भाई, तो एक तो टीम वर्क बहुत अच्छा था और सबको फ्रीडम थी अपने अपने किरदार को समझ के अपने तरीके से करने की, डायरेक्टर ने अच्छी फ्रीडम दे रखी विशाल भाई ने सबको और सबका एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, जैसे ये हमारे सीनियर हैं तो ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही इंसान सिर्फ कर रहा है और कमांड कर रहा है, सबको फ्रीडम दिया गया अपने अपने लेवल पर चीज़ें करने के लिए, सो मज़ा आया। थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि इतने कम टाइम में सारा शेड्यूल कम्प्लीट करना था, आउटडोर भी था इनडोर भी था, अगर गलती से भी कुछ चीज़ें इधर उधर होती तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती थी, तो लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब चीज़ें टाइम पे बड़े परफेक्टली अच्छी हो गई और ट्रेलर देखने के बाद एक्चुअली में लग रहा है कि यार जो किया था वो परफेक्टली बना है, सो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और सीज़न 2 की भी तैयारी है वैसे तो। जी बिल्कुल, आपने जैसे सवाल पूछा कि ये कोविड के टाइम शूटिंग करना कितना मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, बहुत रिस्क भी थी, लेकिन उसका दूसरा जो साइड है वो है ये साइड है कि कोविड के टाइम हम सब घर के अंदर थे तो कुछ काम करने के लिए मिल रहा है, जो कहाँ पे परफॉर्म करना है तो ये परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बहुत आनंददायी था मेरे लिए कि चलो कुछ ना कुछ तो काम शुरू हो रहा है।
तो वो रिस्क था, लेकिन ये जो हिडन वेब सीरीज़ है जब विशाल सर ने मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सर 2 दिन का ही काम है, लेकिन मैं ऑलवेज़ मराठी में भी और जहाँ भी काम करता हूँ मैं लेंथ नहीं देखता, मैं कैरेक्टर की डेप्थ देखता हूँ। तो उसी प्रकार की डेप्थ जो है ये टिपर कैरेक्टर में है, जो रियल में भी पुलिस के बहुत सारे टिपर्स रहते हैं जिनकी वजह से पुलिस उस मकाम तक पहुँचते हैं, उसको अगर कोई क्रिमिनल है उस तक पहुँचने के लिए जो ब्रिज है, वो जो टिपर का जो ब्रिज है वो हर 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 पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो उसी प्रकार का एक टिपर जो स्लम एरिया में रहता है और इम्पोर्टेंट टिप्स राजे को देता है, तो वो किरदार, छोटा किरदार मैं निभा रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये सब बहुत थिएटर से है, सब संतोष है मेरा दोस्त, सब थिएटर से, और विशाल भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है, तो उसके साथ और पिंग पोंग के साथ मैं इस वेब सीरीज से जुड़ गया हूँ, तो इसका मुझे बहुत प्राउड है और बहुत आनंद है। थैंक यू। मेरे कैरेक्टर के मैं कहना बारे में कहना चाहूँगी, ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो सीरीज़ देखने में वो मज़ा नहीं रहेगा, बट शी इज़ वेरी सिंपल हैप्पी गो लकी गर्ल जो कॉलेज गोइंग है, और कुछ सीन में आपको वो दिखेगी कि वो बहुत सिंपल गर्ल है, अपने दोस्तों के साथ हंस के बात करती है, ऐसे सिंपल काइंड ऑफ गर्ल है, लेकिन कुछ सीन में आपको दिखेगा कि मिस्टीरियस थोड़ा सा कैरेक्टर है जो सेकेंड सीजन में वो रिवील होगा। सो मेरे कैरेक्टर के बारे में अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ।